हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, रोज की तरह आज भी आपके साथ बात करेंगे आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम दैनिक राशिफल के विषय में, और उससे पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी देना चाहेंगे और ये भी बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका ये दैनिक राशिफल तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। साथियों, अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर में जो वर्तमान में स्थिति है ग्रहों की गोचर में, उस पर ही आधारित है। और आरंभ करते हैं मेष राशि यानी कि एरीज साइन से। साथियों, आपसे बात ये स्पष्ट रूप से आज बताना चाहते हैं आप मेष राशि के जातकों को कि देखिए, अगर आप काफ़ी समय से रोजगार के लिए प्रयासरत हैं, प्राप्ति के लिए कि भाई आपको रोजगार की प्राप्ति हो, आप उस दिशा में अपने प्रयास कर रहे हैं, तो अब ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल होती जा रही है। अब काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है कि अब आपको रोजगार की प्राप्ति के अवसर मिलें। व्यावसायिक यात्रा कोई अगर कर रहे हैं अपने कार्यों को लेकर के, कामकाज को लेकर के, तो वो सफल होने की संभावना बन रही है। निवेश के सुखद परिणाम प्राप्त होंगे आपको, जो जहाँ भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा, आप पैसा लगाएंगे, वहाँ के भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने की अच्छी प्रबल संभावना है। और भाग्य का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। अप्रत्याशित लाभ की भी पूरी संभावना, कहीं से अचानक कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है धन का, और किसी बड़ी बाधा के दूर होने से आपका मन बहुत अत्यधिक प्रसन्न रहेगा। पुराना कोई रोग थोड़ा परेशान जरूर कर सकता है आज के दिन आपको, और इतना ध्यान रखिएगा कि विवाद से देखिए क्या होता है, कलेश बढ़ता है, तो जहां तक भी हो विवाद से बचिएगा। और कोई भी धन का लेन देन अगर कहीं कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। उपाय आप कर सकते हैं, कच्चे कोयले किसी भी धोबी को प्रेस करने के लिए दान में देने से आपका जो प्रेमी जीवन है, लव लाइफ है, वो मजबूत होगा, बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए बनता है आज मैरून, और शुभ अंक आपके लिए है आज 7। वृषभ राशि यानी के टॉरस साइन। साथियों, अचानक कुछ धन का खर्च आज के दिन हो सकता है, और आपको पैसे की कमी पड़ने के कारण कहीं से लोन इत्यादि के लिए भी आप अर्जी लगा सकते हैं अपना, या किसी बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर के आप लोन वगैरह के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य प्रॉपर वे में हों, सही तरीके से हों और समय पर पूरे हों, तो उसके लिए फिर आपको अपनी वाणी का बहुत संभल करके उपयोग करना है। दूसरों से अपेक्षा पूर्ण नहीं होने से भी थोड़ा सा इरिटेशन होगी आपको, यानी कि जो जिससे आप किसी प्रकार की भी अपेक्षा रख रहे हैं, उम्मीद रखते हैं, वो ना पूरी होने के कारण आपको उसके कारण मतलब इरिटेशन हो सकता है थोड़ा सा। और जो कार्य आप कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा कि उसमें भी विलंब की संभावना बन रही है, डिले। स्वास्थ्य का पाया थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है, स्वास्थ्य की ओर भी आपको ध्यान देना होगा, खान पीन पर भी अपने ध्यान रखना होगा, और थोड़ा परिवार के सदस्यों को लेकर के या किसी भी एक सदस्य को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता मन में जरूर रहेगी। जो आपकी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, आइटम्स हैं, उनको आप जरूर संभाल करके रखें, उनकी केयर करें। जहाँ तक आपके व्यवसाय का प्रश्न है, व्यवसाय आपका बिल्कुल ठीक चलेगा, आय भी आपकी इनकम भी होती रहेगी रेगुलर बेसिस पे, थोड़ा बिजी भी रहेंगे आप अपने कार्यों को लेकर के। उपाय आप करें, अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा बिना धोए बिल्कुल ना पहने, यही सबसे उत्तम उपाय है आपके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी धन की स्थिति बेहतर हो। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, और शुभ अंक आपके लिए आज 6। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। साथियों, आपके कुछ पुराने विरोधी या शत्रु कह सकते हैं आप उनको, वो थोड़ा सा आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकते हैं, थोड़ा सा उनसे सचेत और सावधान रहिएगा। आज के दिन थोड़ी थकान एवं कमजोरी भी महसूस कर सकते हैं,
जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा चिंता बनेगी और व्यवसायिक यात्रा आपकी पूर्ण रूप से सफल होगी। अगर आप अपने कामकाज के सिलसिले में कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं तो वह यात्रा आपकी सफल रहेगी। और पैसा आपका कहीं अगर आपने दिया हुआ था तो वो जिसको आप भूल चुके थे ये सोच करके कि वो पैसा मेरा डूब चुका है, अगर आप थोड़े प्रयास करेंगे तो वो पैसा आपको रकम वापस मिल सकती है और लाभ के कुछ और अन्य अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। आज व्यापार में भी आपके अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें वृद्धि के योग बन रहे हैं। अगर आप कहीं अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी आप बहुत सही जगह पर कर पाएंगे, उसके कारण आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। उपाय आप करें, छुट्टी के दिन अगर आप घर में बैठे हैं, घर में हैं, तो आप बैठे बैठे एक उपाय कर सकते हैं घर में रह करके कि आप मछलियों को जाकर के थोड़ा सा आटे की गोलियां बनवा करके उनको जरूर खिलाएं। और अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो आप उसमें भी उनको जो चारा खिलाया जाता है वो आप खिला सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए संतरी, शुभ अंक आपके लिए आए 9। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। प्रिय साथियों, कुछ अपने आने वाले फ्यूचर प्लान आप तैयार कर सकते हैं आप आज के दिन। कार्य प्रणाली, जो भी आपके कार्य करने के तौर तरीके हैं उसमें भी आपकी इच्छा रहेगी कि कुछ इम्प्रूवमेंट करें आप उसमें। कारोबार जो भी आप करते हैं, चाहे रोजगार या व्यापार, उसमें आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, आप अपने कार्यों से सेटिस्फाई रहेंगे। जोखिम उठाने का साहस भी आज के दिन आप कर सकते हैं अपने कार्यों को लेकर के। और कोई अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो कोई व्यापारिक अनुबंध भी कर सकते हैं, कोई टाई अप कर सकते हैं, कोई डील कर सकते हैं किसी के साथ। और धन का आगमन आपके लिए होता रहेगा। लंबे समय से जो रुके हुए कार्य हैं, किसी कारणवश नहीं पूरे हो पा रहे थे, अब वो समय आ गया है कि अगर आप चाहें तो उनको पूरा कर सकते हैं। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में भी वृद्धि के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जोखिम एवं जमानत के कार्य जरूर टाल दीजिए। अगर आप किसी की जमानत लेने के लिए जाना चाहते हैं या आपको कोई बुलाना चाहता है जमानतवादी के लिए किसी की, तो उससे आप अपने आप को दूर रखें। और कोई दूसरा ऐसा रिस्क ना लें कि जिसके रिस्क लेने से सीधा सीधा आपको नुकसान हो, चाहे वो आपके मान सम्मान में हो हानि या धन की हानि हो, ऐसा कोई जोखिम ना लें। शत्रुओं का जहां तक प्रश्न है, और विरोधी हुए या शत्रु हुए, वो परास्त रहेंगे, आपके सामने कमजोर रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा आपने। उपाय आप करें, आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए गाय को अपने हाथों से आप गुड़ जरूर खिलाइए। शुभ रंग आपके लिए हरा और शुभ अंक आपके लिए आज 1। सिंह राशि यानी कि लियो साइन। प्रिय साथियों, इस बात का जरूर ध्यान रखिए, आप सिंह लग्न राशि के जातकों से कह रहे हैं कि एक तो अच्छे लोगों की संगत में रहिए, अगर खराब लोगों की संगत में रहेंगे तो उससे आपको नुकसान और हानि होगी। यूं तो आपका धार्मिक कार्यकलापों में भी दिल लगेगा, मन लगेगा, पूजा पाठ में आपका दिल लगेगा, एवं कोर्ट एवं कचहरी के कार्य भी जो भी जुड़े हुए हैं आपके साथ, वे भी कार्य आप पूरे कर पाएंगे आराम से। और लाभ के कुछ दूसरे अवसर भी आपके हाथ में आएंगे, अपॉर्चुनिटीज। जहां तक परिवार का प्रश्न है, पारिवारिक सदस्यों के साथ समय आपका अच्छा व्यतीत होगा और आर्थिक उन्नति के प्रयास जो भी आपके द्वारा किए जाएंगे उसमें आप सफल होंगे। कारोबार अच्छा चलेगा, नौकरी में उच्चाधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे और आपके भाइयों का भी, छोटे या बड़े जो भी हैं, उनका भी आपको भरपूर सहयोग आज के दिन प्राप्त होगा। पूर्ण रूप से आपका दिल प्रसन्न रहेगा, दिल और दिमाग दोनों आपके प्रसन्न रहेंगे। उपाय, अगर आज आप मानसिक शांति को बढ़ाना चाहते हैं तो क्रीम रंग के वस्त्र अधिक उपयोग करें पहनने में। शुभ रंग आपके लिए सफेद, शुभ अंक आपके लिए आज 8। कन्या राशि यानी कि वर्गो साइन। साथियों, वाहन एवं मशीनरी आदि के प्रयोग को करते समय थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की आपके चोट वगैरह लग सकती है। विशेष रूप से जो स्त्रियां हैं और हाउसवाइफ्स हैं, किचन में काम करती हैं, खाना पकाती हैं, उनको भी बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने कार्य करने होंगे, अन्यथा किसी भी प्रकार की कोई छोटी या बड़ी चोट लग सकती है। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचिएगा और किसी व्यक्ति से बेवजह विवाद ना हो पाए इस बात का ध्यान रखिए। लेन देन में भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपको और धन लाभ के अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं आज। आय आपको मतलब एक
कॉन्स्टेंटली होती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा धन अपने सुख सुविधाओं पर खर्च करना आपको अच्छा लगेगा। उपाय आप कर सकते हैं, अनंत मूल की जड़ को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने पास रखने पर आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, मजबूत होगी। शुभ रंग आपके लिए सलेटी और शुभ अंक आपके लिए आज 7। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। साथियों, आप जो तुला राशि के जातक हैं, हम उनको बताना चाहेंगे कि आज आपके विरोधी आपके सामने ठहर नहीं पाएंगे और कोर्ट एवं कचहरी के जो कार्य हैं वो आपके अनुकूल यानी कि मन की स्थिति के अनुसार पूरे होंगे, जैसा कि आप चाहेंगे। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा और सुख के साधन भी जुटेंगे। कारोबारी वृद्धि के अच्छे संकेत हैं और अगर कहीं आपका निवेश आपके द्वारा किया जाएगा तो उससे भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जो आपके सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, उनका पूरा भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा और स्त्री पक्ष से भी आज लाभ की काफी अच्छी संभावना है। लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में थोड़ा सा एक भय बना रहेगा किसी ना किसी बात को लेकर के। लाभ के अवसर तो आपको जरूर प्राप्त होंगे, पार्टनर जो है उनका सहयोग भी आपको बराबर मिलेगा और घर बाहर दोनों ओर यूं तो प्रसन्नता बनी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल दिमाग में एक थोड़ा बहुत भय भी रहेगा। उपाय आप करिएगा, सफेद चंदन का तिलक जरूर लगाएं मस्तिष्क पे, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत शुभ उपाय है, उत्तम उपाय है। शुभ रंग आपके लिए केसरी और शुभ अंक आपके लिए है आज 5। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन। प्रिय साथियों, लेन देन में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, किसी अपरिचित पर भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करना है। आय में वृद्धि भी होने के अच्छे संकेत हैं और आय बराबर होती रहेगी। भूमि भवन संबंधी योजना कुछ आगे के लिए बनाएंगे फ्यूचर के लिए और कोई बड़ा आने वाले समय में लाभ आपको हो सकता है। रोजगार प्राप्ति के लिए अगर कुछ आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं तो उसमें भी अब सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य बहुत अनुकूल रहने वाला है आपके, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। बस इतना है कि किसी भी चोट या रोग से बचना है, इसका ध्यान रखना है, कोई चोट ना लग जाए या कोई रोग आपको परेशान ना करे, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। जहां तक प्रेम प्रसंग तक का प्रश्न है वो अनुकूल रहेगा और आपका मन पूरे दिन प्रसन्न बना रहेगा। उपाय आप करें, आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए आप अपने हाथों से गाय को यानी कि गौ माता को गुड़ जरूर खिलाइए। शुभ रंग आपके लिए नीला और शुभ अंक आपके लिए आज 4। धनु राशि यानी सेजिटेरियस साइन। प्रिय साथियों, कोई अचानक कोई आपसे अनजाने में जाने अनजाने कोई ऐसी गलती हो सकती है कि जिसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसीलिए जल्दबाजी एवं लापरवाही बिल्कुल ना करें किसी भी कार्य में और कोई डर किसी बात को लेकर के आपके दिल दिमाग में जरूर रहेगा और कोई पुराना रोग आज के दिन आपको दोबारा से परेशान कर सकता है और आज का दिन थोड़ा सा टाइट शेड्यूल रहने वाला है। आपका व्यस्त जीवन रहेगा, आज के दिन आपका व्यस्तता बनी रहेगी पूरे दिन। विद्यार्थी वर्ग जो है वह अपने शिक्षा में सफल होगा और किसी भी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर आपको प्राप्त आज के दिन हो सकता है। स्वादिष्ट भोजन का भी भरपूर आनंद आप लेने वाले हैं आज, मन आपका भरपूर तरीके से प्रसन्न रहेगा। उपाय आप करें, कौओं को रोटी खिलाने पर आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, ये बहुत उत्तम उपाय है आपके लिए, धनु राशि के जो जातक हैं। शुभ रंग आपके लिए पीला और शुभ अंक आपके लिए आज 9। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। साथियों, कोई पुरानी तकलीफ शारीरिक आपको आज दोबारा से परेशान कर सकती है और किसी बड़ी समस्या से भी आपका सामना आज हो सकता है। लेन देन में विशेष सावधानी रखनी होगी आपको, लापरवाही अगर आपके द्वारा हुई तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है और वाणी में भी हल्के शब्दों का प्रयोग करें। हल्के का मतलब कड़े शब्दों का प्रयोग ना करें। दुखद समाचार कहीं से कुछ मिल सकता है जिससे आपका मन थोड़ा दुखी हो सकता है और किसी व्यक्ति से बेवजह आपका आज विवाद भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है। बस व्यर्थ की भाग दौड़ से जरूर बचिएगा। कार्यों में आपके विलंब होने की पूरी संभावना है, चिंता एवं तनाव भी बना रहेगा किसी ना किसी बात को लेकर के, लेकिन आय आपको बराबर होगी, आय में कमी नहीं होगी। उपाय आप करें, अकेलापन कई बार काफी दिक्कत भरा हो सकता है साथियों, इससे छुटकारा पाने के लिए
आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का उच्चारण प्रातः उठते ही करना है। सबसे पहला कार्य है आंख खुलते ही आप 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनका उच्चारण कीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, शुभ अंक आपके लिए आज 5। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन। प्रिय साथियों, आप कुंभ राशि के जो जातक हैं, जो भी प्रयास करेंगे किसी भी दिशा में वो कार्य आपके सफल होंगे और इसी के साथ साथ आपकी सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। आपका पराक्रम बढ़ेगा, एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा और भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने वाला है आज। इनकम में भी आपकी वृद्धि होने के अच्छे संकेत हैं और किसी बड़े कार्य को करने में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। कारोबार में वृद्धि होगी, नौकरी में प्रशंसा प्राप्त करेंगे आप और शेयर मार्केट एवं म्यूचुअल फंड जैसी चीजों से भी लाभ की प्राप्ति के बहुत अच्छे संकेत हैं। बस इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि कोई शारीरिक रोग या चोट आपको ना लगने पाए या हो, मतलब रोग परेशान ना कर पाए और चोट लग ना पाए, इसका ध्यान आपको रखना है। जहां तक सुख साधन का सवाल है, सुख साधन का लाभ लेंगे आप, लेकिन घर के मेंबर में से किसी के भी साथ आपका कुछ थोड़ा बहुत तनाव पैदा हो सकता है। उपाय आप करें मीठे चावल बना करके गरीबों में बांटने पर आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए भूरा और शुभ अंक आपके लिए आज 3। मीन राशि यानी कि पाइसिस साइन। प्रिय साथियों, आप मीन राशि के जो जातक हैं, आपको कहीं से कोई अच्छा और शुभ समाचार आज के दिन प्राप्त हो सकता है और घर में भी आपके हो सकता है मेहमानों का आगमन। इसी के कारण आपके आत्मविश्वास में भी होगी वृद्धि और विवेक से कार्य जरूर करें, पेशेंस लूज बिल्कुल ना करें। विरोधी जो है आपके सक्रिय होने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे और मित्रों का सहयोग आपको बराबर प्राप्त होता रहेगा पूरे दिन। व्यापार व्यवसाय आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा और नौकरी में बहुत चैन और सुकून आज आपको मिलने वाला है। आय में होगी वृद्धि, मित्रों के साथ समय बहुत मनोरंजक तरीके से व्यतीत होगा और आमोद प्रमोद में भी आपका समय थोड़ा सा व्यतीत आप जरूर करना पसंद करेंगे। उपाय आप करें सर्पाकार चांदी की अंगूठी धारण करने पर पारिवारिक जीवन में आपके बेहतरी आएगी, खुशहाली आएगी। शुभ रंग आपके लिए ग्रे और शुभ अंक आपके लिए आज 2। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप 12 राशियों के जातकों का दैनिक राशिफल। ये बताने के पश्चात कि कैसा दिन आपका व्यतीत होगा आज सभी 12 राशियों के जातकों को, अब समय आ गया है कि यहाँ पर आकर के हम दें अपनी वाणी को विराम। प्रिय साथियों, और आप सभी से भी लें इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।